जनपद सीईओ के रवैये को लेकर सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक और जनपद के सदस्यों ने हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। बता दें, आज हड़ताल को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सीईओ को नहीं हटाया गया है, जिससे नाराज हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा, अगर जल्द ही सीईओ को नहीं हटाया जाता है तो सभी लोग नर्मदा जल सत्याग्रह करने को मजबूर हो जाएंगे। चर्चा की गई है मेरे द्वारा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो शासकीय कर्मचारी, ये जनपद प्रांगण में अपने कुछ मांग है, जो जनपद सीईओ यहाँ कर हैं उनके विषय में लेकर के इनकी मांग है, इससे चर्चा की गई है। ये इनसे चर्चा में ये चीज निकल के आई है, जो जनता जनहित ऐसी काम इनको अवरुद्ध बनाए, ये शीघ्र इस गतिरोध को खत्म करें और जनहित ऐसी कार्यों को करने के लिए वापस क्षेत्र में। हमारी योजना तो ये है कि हम सरकार की जो भी योजना है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, सही अधिकारी यहाँ पर रहें, क्योंकि जो यहाँ पर गुप्ता जी हैं उनके द्वारा अभी तक कोई भी योजना, जो भी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, शासन की योजना है उनका लाभ सही नहीं पहुँचा पा रहा है, इसकी वजह है गुप्ता जी। आगे हमारी जो योजना है, कल हम कलेक्टर महोदय से मिले थे, उन्होंने SDM साहब भेजाया, इसके बाद अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी जो हितग्राही हैं ग्राम पंचायतों से, वो भी यहाँ पर कल डेरा डालेंगे, क्योंकि वो योजनाओं से वंचित हैं। अतः गुप्ता जी को शीघ्र हटाया जाए, क्योंकि अब पहला है ऐसा कि अभी तक ऐसा कोई अधिकारी यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी नहीं आया, जिसके विरोध में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी जो कि विरोध में बैठे हैं, इनको तत्काल हटवाया जाए। SDM महोदय से हमारी बात हुई है कि अभिषेक गुप्ता जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं, इनको आप हटा दीजिए। हम लोग शासन प्रशासन का सहयोग करने के लिए और शासन की हितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं। उन सभी योजनाओं की जो फाइलें रहती हैं वो हमारे सीईओ महोदय उनको अटका के रखते हैं और हर काम में व्यवधान पैदा करते हैं। कल आपकी कलेक्टर से भेंट हुई थी, किस तरह का आश्वासन मिला था? कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों की बात सुनी और सीईओ महोदय के संबंध में भी उन्होंने बात कही। हाँ, अभी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आज माननीय SDM महोदय, तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय माननीय कलेक्टर साहब के संदेश वाहक बनकर आए थे। कल हम हमारा संदेश लेकर कलेक्ट्रेट में गए थे कलेक्टर साहब से मिलने, उनसे ये चर्चा भी हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा था आप ये खत्म करें, तो हमने कहा सर हमारे जो लोग वहाँ ज़मीन पर बैठे हैं उनसे हम आपस में बात करके फिर आपके बीच में बात रखेंगे, आप अपने किसी प्रतिनिधि को पहुँचा दीजिए। तो उनने माननीय SDM महोदय को पहुँचाया था, तो हमारा इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हमने यही कहा माननीय SDM महोदय से कि यहाँ से इनको हटवाया जाए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की ये बात पहुँचाई जाए कि यहाँ से इनको हटवाया जाए और किसी दूसरे के यहाँ प्रतिस्थापना की जाए, ताकि हम आगे से ये काम चालू कर सकें।